तो हे गाइस, यहाँ पे रियलमी की तरफ से रियलमी 13 सीरीज लॉन्च होने वाला है और इस बार थोड़ा जल्दी लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे जो रियलमी 13 सीरीज है उसमें रियलमी 13 प्रो और रियलमी 13 प्रो प्लस लॉन्च होगा। लॉन्च डेट 100% कंफर्म है, 30 जुलाई को ही फोन लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। ग्लोबली हो सकता है तो इंडिया में ये लॉन्च हो जाएगा 30 जुलाई को 12 बजे इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। लेकिन ये जो फोन है ना Realme 13 Pro और Realme 13 Pro Plus के साथ लॉन्च होगा और यहाँ पे Samsung, Apple जैसे ब्रांड के साथ इसको ना कंपेयर किया जा रहा है। मतलब ये अपनी जगह बनाना चाहता है इन सभी ब्रांड्स के साथ, बट ऐसा नहीं है। ये लोग अपने हाइप के लिए ना कुछ भी करना स्टार्ट कर देते, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी चीप लगी। लेकिन स्पेसिफिकेशन 100% कंफर्म में बताने वाला हूँ, लॉन्च डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ और साथ में प्राइस वगैरह भी बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस वीडियो में सिर्फ Realme 13 Pro के बारे में बात करेंगे, Realme 13 Pro Plus के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पूरा स्पेक्स होने वाला है यहाँ पे, तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एक AMOLED डिस्प्ले होगा विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और AI को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कैमरा विथ AI और फोन विथ AI, मतलब AI हर जगह AI भर दिया गया है और होता कुछ नहीं है। AI वगैरह देख के ना आप लोग इतना ज़्यादा वो मत होना एक्साइटेड, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन यूज़ करोगे, 3रे दिन से फ़ोन ही यूज़ करोगे, कुछ यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। कॉल वगैरह यूज़ करोगे, कैमरा से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो वगैरह बनाना रहता है, फोटो लेना रहता है, ये सब चीज़। तो यहाँ पे जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो डेप्थ देखने को मिलेगा। तो 50 मेगापिक्सल तो अभी हर कोई दे रहा है, पहले 64 ये सब देते थे, बट अब समझ गए मेगापिक्सल नहीं, कैमरा 50 दो लेकिन कैमरा में काम ज़्यादा करो, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का मिडिल पंच होल के साथ एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। OIS है या फिर नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रो प्लस में OIS है लेकिन इसमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। OIS होगा तो बहुत अच्छा होगा और नहीं होगा तो इसका प्राइस कम होगा और क्या। यहाँ पे जो कैमरा है ना वो मेरे को सही शॉट लगा, यहाँ पे कुछ आप लोग सैंपल ये लोग दिखा रहे हैं, वो आपको पता है ये ऑफिशियल है तो यहाँ पे एकदम ओरिजिनल चीज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो फ़ोन है 5200mAh बैटरी के साथ आने वाला है, मतलब 5200mAh बैटरी के साथ ये फ़ोन आएगा और 45W का चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे 5000 से लोग ऊपर जा रहे हैं, जैसे OnePlus Nord CE4 5500 दे रहा है, ये लोग 5200 दे रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। कोई जो है 5030mAh दे रहा है तो 5000 से थोड़ा ऊपर तो जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, 5000 में सब लोग एकदम रुक गए थे। तो यहाँ पे अब मेन चीज़, इस फोन का प्रोसेसर क्या होने वाला है, तो इसमें लगा हुआ होगा Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है इसका अंतुतु स्कोर अराउंड 6 लाख के अंदर है, मतलब 5,77,000 कुछ इसका अंतुतु स्कोर है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्कोर है एक डिसेंट स्कोर है, तो इस स्कोर वाले जो फ़ोन होते हैं लाइक इस प्रोसेसर वाले जो फ़ोन होते हैं अंडर 18,000 होते हैं, लाइक इसका जो प्राइस होता है 15,000-16,000-17,000-18,000 हो सकता है। तो 18,000 रुपये इसका प्राइस हो सकता है। कर्व डिस्प्ले अगर होगा तो यहाँ पे लग रहा है कर्व डिस्प्ले होने वाला है, तो कर्व डिस्प्ले अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो प्राइस इसका और ज़्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग लुक और डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप Realme को पसंद करते हो या फिर नहीं। और Realme जो सीरीज़ चलता है नंबर सीरीज़ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, और Realme 11 मैंने यूज़ किया था, 12 भी मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं। नाइट कैमरा है Realme का बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे Realme 13 Pro Plus का जो है ज़्यादा अच्छा कैमरा वगैरह होगा, लेकिन जो Realme 13 Pro होगा ना वो बजट में आने वाला है, तो बजट में बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद Realme 13 भी, खाली जो 13 है नॉन प्रो वो भी लॉन्च होगा, जो कि अंडर 15,000 हो सकता है। तो ये सारे फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे 30 जुलाई को, और हो सकता है 13 Pro, 13 Pro Plus सिर्फ लॉन्च हो और 13 जो है कुछ दिन बाद लॉन्च हो। आप लोग बताओ कमेंट में आप लोग इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, और पूरा 100% कन्फर्म स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। लुक और डिज़ाइन मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ नया लुक है और कलर वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। कहा बोला जा रहा है कि ब्लू कलर जो है वो प्रो के लिए होगा और साथ में प्रो प्लस का जो है वो गोल्डन कलर आने वाला है। तो आप लोग बताओ आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ब्लू कलर सही लग रहा है, गोल्डन भी सही लेकिन ब्लू ज़्यादा ही चमक रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये था गाइस इस फोन को पूरा स्पेक्स, हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। इस टाइप के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, और हम अपने पैसे से हर फोन को खरीद के रिव्यू करते और आपको असली सच बताते, तो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस फ़ोन को भी जब लॉन्च होगा तो अपने पैसे से खरीद के इसका रिव्यू करने वाले हैं हम लोग। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।